हाँ येलो भी नहीं कैच कर रहा। एक्चुअली येलो ग्रीनिश वाला है ना। चलिए सो ये नहीं चल रहा क्या? चल रहा ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरू कर रहे हैं अपन, लिखना शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज हुई क्या आप लोगों से? डाउट आए? ठीक है, पहले टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है क्या बेटा? कनेक्टेड है क्या आप लोग? सब में चल रहा है क्या आजकल? एसी क्लास में हुआ है। ऐसा क्यों? आज तो मोबाइल भी दूर रखा है इससे। इसको बोला कि नहीं हो, ये तो ऐसे ऐसे तो पढ़ नहीं सकते। सो एम आई ऑडिबल इन द लास्ट? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? यस। माइक चेक, माइक चेक। नो, सुनाई नहीं आ रहा। यस ऑडिबल नाउ? आवाज तो आ रही थी एक्चुअली, लेकिन वो अपना अलग, अभी तो सही है। वो अपने धुन में अलग ही चलता है। ठीक है, आ रही है। ओके। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लिखना, एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सबसे आसान टेंस है ये, एग्जाम में आता है। करेंगे तो क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। बस आपको सिंपल करना है, हेड का हेड बीन करना और कुछ नहीं करना, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस था। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों के रूल्स लिखवा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनेट पे।
फ्यूचर इनडेफिनेट पे जब अपन रूल लिख रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, आ रही है आवाज पीछे? नहीं आ रही, लड़ाई नहीं बेटा पीछे। आपकी आवाज बिच बिच में नहीं आ रही। Am I audible now? आ रही आवाज अभी? नहीं आ रही। एक आई तो लगाना था आवाज, बिच बिच। आई के साथ टी नहीं लगाया, अच्छा वो गड़बड़ हो जाती है तो। आ रही आवाज कृतिका शर्मा? Am I audible in beach beach? पीछे तो नहीं आ रही। Yes मैम आ रही, उसको तो आवाज आ रही। तुम लोगों को आगे बुला लेंगे। आ रही अभी audible? रिकॉर्ड नहीं हो रही, बीच बीच में रिकॉर्ड नहीं होगी। पढ़ा दूं मैं? चलो आ जाओ। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो दे विल वॉच अ मूवी, क्या हो जाएगा? अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय देम। लिख लो एक्टिव वॉइस में एग्जांपल, दे विल वॉच अ मूवी, दे विल वॉच अ मूवी। कन्वर्ट कर दो इसको, अ मूवी विल बी वॉच्ड बाय देम। A movie. कैसे वर्ड्स? टाइम और प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट में हमेशा, नहीं बाय देम टू नाइट, लास्ट में। टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द लास्ट, ठीक? चल नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। विल बी और आईएनजी तो लगाते ही अपन, विल बी गोइंग, विल बी ईटिंग। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, they will be watching movie tonight, they will be watching movie tonight, right? ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना। आईएनजी आ ही रहा है, सारे कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। अब वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जब अपन बात करें तो जितने भी अच्छी ग्रामर की बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, राइट? लेकिन कुछ ग्रामर की बुक्स कहती है कि बनती है। सो
यूनिवर्सल रूल नहीं है। अगर यूनिवर्सल रूल होता तो अपन वही मानते कि बनती ही नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस, बट यूनिवर्सल रूल नहीं है। तो इस कंफ्यूजन के केस में अपन आईसीआई को फॉलो करेंगे, और आईसीआई को जब फॉलो कर रहे हैं तो वो तो बना रहा है पैसिव वॉइस, और वो जो पैसिव वॉइस बना रहा है ना उसका मतलब वही समझेगा, राइट? आपको तो वो फॉर्मूला यूज करना है जिस हिसाब से बनेगा। बट कभी आप किसी बुक से रिवाइज करो और वहां पे ये दिख जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती तो कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली में प्रैक्टिकली तो नहीं बनती, बट वी आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सो वी आर फॉलोइंग आईसीएआई, राइट? सो देखिए आप लोग, सब्जेक्ट प्लस विल शेल, इसमें क्या लगा रहे थे अपन एक्स्ट्रा? बीइंग लगा रहे थे ना कंटिन्यूअस टेंस में, तो इन्होंने बी भी लगाया है, विल भी शैल भी तो लगाया ही है, फिर बीइंग भी लगाया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा था, जितनी इंग्लिश आती सारी डाल दी इन्होंने यहाँ पे, बी बीइंग, राइट? तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसा बनेगा आपका, मूवी विल बी बीइंग वॉश्ड वॉश्ड बाय देम टुनाइट। यही करके आना है बेटा, मार्क्स इसी के मिलेंगे। बाहर बारिश हो रही है क्या अभी? हाँ ये इधर आ रही है इसीलिए पूछा मैंने। आप लोग आए थे जब हो रही थी क्या? लिख लिया आप लोगों ने सबने? नो मैम, तो लिखो। लिख रहे हो बेटा? समझ भी रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? ओके, और अब लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लिख लो उसका। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिख लो, विल हैव का विल हैव बीन और शैल हैव का शैल हैव बीन, बस कुछ नहीं करना। लिख लिया आप लोगों ने सामने? तो ये तो थे अपने टेंस के रूल्स सारे, राइट? टेंस के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो अपन समझेंगे। आप लिखो हेडिंग रूल्स ऑफ मॉडल्स, रूल्स ऑफ मॉडल्स। 12:50 तक ही है कि अपनी क्लास आज भी? पक्का? क्योंकि मेरे पास 1 बजे तक का मैसेज आता है। पक्का? नहीं नहीं मान लिया, अब जाती हुई क्लास में तो क्या ही बोलोगे, खत्म ही होने की उस पे अपन तो वैसे भी। ओके सो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखिए रूल्स फॉर मॉडल्स, मॉडल का रूल लिखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल क्या होते हैं? कैन मे माइट मस्ट शुड वुड, इसका है सब्जेक्ट प्लस मॉडल चेंज। इसमें कैन का कुड करेंगे कैन ही रहने देंगे? कुड करेंगे? नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। सो कैन का कुड मे का माइट इसमें नहीं करना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है?
इसमें मॉडल सेम ही रहेगा आपका, बस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अपन लगाते ही है पैसिव वॉइस में. सो एग्जाम्पल लिखिए इसका, दे कैन लिफ्ट अ बॉक्स. दे कैन, दे कैन लिफ्ट अ बॉक्स. पैसिव वॉइस में करो इसको. अ बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय देम. इंटेरोगेटिव के रूल्स कल बता दिए थे आप लोगों को. ठीक, अब आप लोग बुक खोलो. टेंस के रूल्स अपने हो गए, इंटरोगेटिव के अपन कर चुके थे, अब जो बचे रूल है वो बुक के ही करेंगे. पेज नंबर 2.21 पे आ जाओ. एक्टिव पैसिव के रूल्स खत्म हो जाएंगे आज. 2.1 इस केस में आप लोग देखिए कि प्रोनाउन को अपन कैसे चेंज करते हैं. तो वैसे आप लोगों को याद है कि एक बार उसको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं. आई को किस में कर देंगे, मी. ही का क्या हो जाएगा, हिम. शी का, यू का, यू ही रहने देते हैं. दे का, इट का, इट ही रहने देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद वी का, हु का, हुम. ठीक है, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, वो इंटरोगेटिव वाला रूल जो आपको बता दिया था कल. ठीक, तो ये था आपका प्रोनाउन का रूल, इसको टिक कर लो अपनी बुक में. इंटरोगेटिव का आपको कल बता ही दिया था. नेक्स्ट अब आप आ जाइए इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पेज नंबर 2.23, लास्ट रूल है आपके इसका एक्टिव पैसिव का. पेज नंबर 2.23. इस केस में अपन जब बात कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले तो अपन समझे कि क्या होते हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें एडवाइज होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट या कमांड. राइट, तीन होते हैं बेसिकली, या तो आप एडवाइस देते हो, रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर देते हो. राइट, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं. तो इम्पेरेटिव में अलग अलग रूल चलते हैं कि ऑर्डर वाले का ये, रिक्वेस्ट वाले का रूल ये है, एडवाइस वाले का रूल ये है. सो अपन अलग अलग रूल याद नहीं करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक कॉमन रूल चलता है, उस कॉमन रूल को अपन पढ़ेंगे. ठीक, वो कॉमन रूल है आपका, लिख लो आप लोग पहले, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या सजेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये इकलौती पैसिव वॉइस जिसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बाकी सब में कौन सी फॉर्म आ रही थी, थर्ड फॉर्म. प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है पैसिव वॉइस का जो आपका तीनों में चल जाएगा. अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, और सजेशन है तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड. राइट, सो जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, क्लोज द डोर. तो क्लोज द डोर में अगर प्लीज होता तो वो रिक्वेस्ट होती, सजेशन इसमें कुछ है नहीं तो ऑर्डर ही माने इसको. सो क्या बन जाएगा इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर. राइट, सिमिलरली प्लीज गिव मी द बॉटल. So you are requested to give me the bottle. Please हट जाएगा. Right? Pick up the phone. Order ही मान ले. You are ordered to pick up the phone. As it is sentence चल रहा है तो. We should exercise every day. ये क्या है? Suggestion. तो क्या हो जाएगा? You are suggested to exercise every day. सबसे आसान है imperative sentence.
ये था वेम्पेरे। अब इसमें वैसे तो धूल छुड़ वाले भी होते हैं, लेट वाले भी होंगे जो आपने पढ़े थे, बट वो सारे करने की जरूरत नहीं। ये एक रूल है जिसमें तीनों चल रहे, सो वट वो ही कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए आप सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो अभी तक आपने करी उसके पहले तो डाउट पूछ लो कि किसमें डाउट आया है। अब बचे हुए सेंटेंसेस जो अपन रूल की वजह से नहीं कर पाए थे उनको अपन आज करोगे, जो रूल्स पढ़ाए नहीं थे तो कर नहीं पाए होगे आप लोग। तो पहले तो एक्टिव पैसिव क्वेश्चन नंबर फोर्थ के डाउट पूछ लो, किस किस में डाउट आया है। एच, बी और एच में सबको आएगा, बता देते हैं। और बताओ इसके अलावा, बी और एच के अलावा जो सेंटेंसेस यहाँ पे 10 दिख रहे हैं इनमें कोई डाउट है क्या किसी को। आई आई में तो क्या पास्ट इंडेफिनेट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 10th वाला एल। अभी तो यहां तक के बताओ, ए टू जे बताओ, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ए टू जे, उसमें ये तीन सेंटेंसेस में डाउट है, बाकी आगे समझ में करें। किस किस ने ईमानदारी से बताओ करें। वेरी गुड, नहीं करोगे नहीं आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड चीज है। बैठ के आप सोचो कि रूल्स याद कर लो और उससे कर लो कि नहीं होगा, प्रैक्टिस करके रूल्स भी याद हो जाएंगे, रूल्स को अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चलो तो अब ये जो बी और एच वाला सेंटेंस है इसका रूल ही अलग है, इसका रूल अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, इसको समझो। कोई बता सकता है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगी और क्यों बनेगी, रीजन के साथ में। रीजन चाहिए, आंसर तो पीछे दे रखा है, आंसर तो सब बता सकता है। सो जो भी पैसिव वॉइस बनी वो क्यों बनी, किस रूल के अकॉर्डिंग बनी। जिरेंड वाले, जिरेंड नहीं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब पढ़ी है ना, टू वाली जो होती है। तो आप समझो इसको, ये जो सेंटेंस है इसमें आपके साथ जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें दो मेन वर्ब दे रखी हैं, गोइंग भी मेन वर्ब है और वॉच भी मेन वर्ब है। तो अपन ने ये पढ़ा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में डालना है, गोइंग का गॉन करें कि वॉच का वॉच्ड करें, किस हिसाब से करें, रूल के हिसाब से। तो जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे दो वर्ब दे रखी होंगी तो हमेशा एक वर्ब आपकी इन्फिनिटिव वर्ब होगी, हमेशा, राइट। तो इन्फिनिटिव वर्ब का जो रूल है चेंज करने का वो ये है, एक्टिव वॉइस में आपके दे रखा होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब क्या दे रखी है आपके, टू वॉश्ड। तो टू वॉश्ड को जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी वॉश्ड। पहला रूल तो ये हो गया इस सेंटेंस का, ये कन्वर्जन समझ में आ गया। हाँ, किसमें, अच्छा हाँ, टू वॉच, ठीक है। आया ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आपको, कि टू को टू बी में कन्वर्ट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है अपने को। अब जो दूसरी वर्ब है, चाहे वो आईएनजी वर्ब हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म की हो, चाहे वो सेकंड फॉर्म की हो, किसी भी फॉर्म में वो दे रखी, उसको अपने को छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज रहने देना है, राइट। अब अपन इस सेंटेंस को देखें तो गोइंग आईएनजी वर्ब आ रही है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में डाल के बींग लगा देते हैं, यही पढ़ा अपन ने। तो थर्ड फॉर्म में जब डाल ही नहीं रहे, आईएनजी वर्ब को आईएनजी वर्ब ही रहने दे रहे हैं, तो बीइंग की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अ मूवी से आप सेंटेंस शुरू करो, अ मूवी में इज एम आदमी से क्या लग जाएगा, इज। गोइंग को छेड़ना ही नहीं अपने को, एज इट इज रहने देना है, गोइंग। गोइंग के बाद क्या लगा दोगे, टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट, टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट में। तो ये याद कर लो, दो वर्ब होगी, एक इन्फिनेटिव होगी, इन्फिनेटिव को टू बी में कन्वर्ट करना, दूसरी वाली जैसी है वैसी रहने देनी है, छेड़नी नहीं है। आईएनजी वर्ब थी इसलिए अपन ने बींग नहीं लगाया, बींग तभी लगाते जब आईएनजी को थर्ड फॉर्म में चेंज करते, किए नहीं अपन ने चेंज, राइट। अंडरस्टूड, इसी के बेसिस पे आपका एच वाला सेंटेंस है सेम। देखो, द स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ सेफ्टी वीडियो एवरी ईयर,
यहाँ भी दो वर्ब है, तो टू वॉच को कन्वर्ट करें, दूसरे को चेंज ही मत करो, जैसी है वैसी रहने दो। सेफ्टी वीडियो के साथ इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द स्टाफ एवरी ईयर। एनी डाउट? समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट, छप गया दिमाग में? बेटा ये टेंस एक्चुअली, इसमें अपन इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से मानेंगे, वैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है जिसमें इज के साथ अपन फॉर्म लगा देते हैं, है ये इंडेफिनेट, लेकिन रूल जो अपन चलाएंगे वो इज एम आर वाला कंटिन्यूअस के हिसाब से चलाएंगे। आईएनजी तो लगेगा नहीं, हाँ ये जेरंड हो गया, जेरंड और इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन हो गया ये, राइट। लेकिन अपने को इतना कॉन्सेप्चुअल उसमें नहीं जाना, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अपन इज एम आर में से वर्ब चेंज करेंगे, अगर आए होता तो एम लगा देते, प्लूरल होता तो आर लगा देते, मूवी क्योंकि सिंगुलर है तो इसका इज रहने दिया, राइट। दूसरी जो भी वर्ब दे रखी उसको नहीं छेड़ना, टू वाली को चेंज करना, टू वाली वर्ब इन्फिनेटिव कहलाती है आपकी। गॉट इट? टिक कर लो इन सेंटेंसेस को, लास्ट में रिवाइज कर लेना। The staff has to be, नहीं वो तो फिर सेंटेंस अलग बनेगा, उसमें फिर दो वर्ब आएगी, नहीं बनेगा ही नहीं वो, राइट। नेक्स्ट है आपका, शी फैक्स्ड हर एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। तो ये फैक्स डाला बेटा सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, राइट। तो सेकंड फॉर्म को जब कन्वर्ट करते हैं तो वॉज वर्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हर एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, पूरा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दू, हर एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज फैक्स्ड बाय हर। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दे, हर एप्लीकेशन वॉज फैक्स्ड बाय हर फॉर अ न्यू जॉब, वो भी गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो इधर कोई डाउट इन सेंटेंसेस में? अब के से लेकर पी तक में बताओ क्या डाउट है? एक तो पी में होगा, पी में नहीं है, वेरी गुड, अभी कर लेते हैं फिर लॉजिक पूछते हैं आपसे। फिर पी के अलावा किस में? एल में, एल में प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो, और एन में? एल में नहीं है, एल में भी, एन में भी है, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, तो पहले तो एल वाला, एल वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज कर दो, पेमेंट टुगेदर विथ एन ऑर्डर इज एम आर में से क्या लगेगा? इज थर्ड फॉर्म इनक्लोज बाय अस, ठीक है। और आप खाली पेमेंट को करो तो उससे भी बना लो, पेमेंट इज इनक्लोज बाय अस टुगेदर विथ एन ऑर्डर, वो भी सही है, समझ गए। एन पे आइए, एन का रूल लिखो, रूल लिखो, इसके आगे लिख लो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में गिवन होगा, पैसिव में कर लो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हैव ही लगेगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो मॉडल के साथ हैज लगा दो, मॉडल के साथ हमेशा हैव ही आता है, ठीक है। तो आप देखो, दे मे हैव नोटिफाइड हिम बिफोर द इनवॉइस अराइव्ड, तो ये बिफोर वाली लाइन तो टाइम रिलेटेड, इसको तो छेड़ो मत, ये तो लास्ट में कर देना एज इट इज। दे मे हैव नोटिफाइड हिम, तो ही से शुरू करो, ही मे का मे रहने दे, हैव का हैव रहने दे, क्या लगा देंगे? बीन। He may have been notified by them before the invoice arrived. Got it? P में doubt नहीं है? Answer बताओ इसका क्या लिखा? Costs. हाँ? ऐसा कैसा? तो answer गलत हो गया। Use या used? USE. तो change क्यों किया? Used का use क्यों किया? यही तो समझना है, बोलने में सही लग रहा है, तो यही समझना है इसमें logic, right? ये है आपका conditional sentence, ठीक। तो conditional sentence में आपके वो two वाला concept नहीं चलता, इसमें दो sentences अलग अलग चल रहे हैं। तो पहला part of the sentence हमेशा condition में model वाला होगा, इमेजिनेशन है ना, वुड 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 शुड कुड
ये सब चलेगा। तो इसको तो मॉडल को मॉडल के हिसाब से चेंज कर दो। अभी पढ़ा ना, कॉस्ट वुड का वुड रहने दिया, बी आया, रिड्यूस की थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड बाय अस, इसको तो मॉडल के हिसाब से बदल दिया, कोई चेंज नहीं है, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है। अब है दूसरा आपका कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये इसका रूल होता है कि इसमें दो वर्ब आएगी, दो में से एक वर्ब पास्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। जैसे यहाँ पे रिड्यूस आपकी फर्स्ट फॉर्म में थी और ये आपकी सेकेंड फॉर्म में थी, दो में से एक वर्ब कंडीशनल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी ही रहेगी। ठीक, तो अब अपन ने वुड के साथ तो थर्ड फॉर्म डाल दी, इसको तो रूल के हिसाब से चेंज कर दिया, तो अब जो दूसरी वर्ब बची उसको किस में डालोगे? फर्स्ट फॉर्म में। तो कंडीशनल सेंटेंस का ये रूल है, आप लिख लो इसके आगे कि इन कंडीशनल सेंटेंस देयर इज वन देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रिक्टली, एक्टिव में भी होती है पैसिव में भी होती है। There is first form of the verb given strictly. There is first form of the verb given strictly. The first form of the verb इसमें पहले दे रखी थी अपन ने, इसको convert किया तो दूसरी को first में डाल दिया। ये ध्यान रखना, सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन लॉजिकली भी अब पता होना चाहिए दैट दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, राइट। तो इसमें अपन ने एक्टिव पैसिव में टेंस के रूल्स कर लिए, टेंस के रूल्स के अलावा मॉडल कर लिया, इंटरोगेटिव पढ़ लिया, इंपेरेटिव पढ़ लिया, और उसके अलावा जो दो तीन एक्स्ट्रा रूल्स थे वो इसके साथ कर लिए। अब कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं बचा आपका, राइट। बट ये रिविजन ये प्रैक्टिस से ही आएगा, देयर इज नो अदर चॉइस। अब पैसिव टू एक्टिव पे आते हैं। He has to put tense past. टू का टू भी कर दो, दूसरी वर्ब तो दे ही नहीं रखी। दैट वर्क हैज टू बी डन बाय हिम, टू का तो टू भी करना है अपने को, राइट। दैट वर्क हैज टू बी डन, और वर्क का अगर कुछ प्लूरल आता तो हैज का हैव कर देते अपन, राइट। सो दैट वर्क हैज टू बी डन बाय हिम, ठीक। आप बताओ पैसिव टू एक्टिव में डाउट किस में है? किएंगे ये? किए ही नहीं तो डाउट होंगे नहीं, चलो आज कर लेना है इसको, कि एक नहीं वही है जो 97 लाता है उसने किए कर लिए, किस किस ने करे? 1 2 3 कोशिश करिए, ठीक है। तो आज क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया तो डिस्कस करने का इसका लॉजिक नहीं निकलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसमें मैं आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ, आपको डाउट आना चाहिए जे में और एल में, आया? ठीक है। तो जे और एल में डाउट आएगा, बाकी अदरवाइज और किसी सेंटेंस में डाउट नहीं आना चाहिए, सारे सीधे सीधे सिंपल सेंटेंसेस है, राइट। ई में भी है? डी, चलो जो डाउट है पहले डाउट तो ले ही लेते हैं, डाउट वाले समझ लो, डी जे एल, एनी अदर? एम, एनी अदर कोई और सेंटेंस? ठीक है। तो द न्यू टैक्स रिफॉर्म विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई बाय हिम, पहले तो हिम करो उसको, ऑब्जेक्ट अज्यूम करो जो कल बताया था, राइट। अब बन जाएगा विल का विल भी कर दे, विल बी का विल कर दे, उल्टा चला दे। सो ही विल सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इम्प्लीमेंट द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स फ्रॉम जुलाई। दूसरा है अब आपका जे, इसमें डाउट होगा। द फॉरेस्ट वॉज गोइंग टू बी कट डाउन फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाय देम। अब ये एग्जैक्टली वही सेंटेंस है जो अभी अपन ने पढ़ा है, टू का टू भी और दूसरी वर्ब को चेंज मत करो, आप करोगे तो हो जाएगा ये, राइट। तो बाय देम को से शुरू करते हैं, दे के बाद अब यहाँ पे क्या लगाओगे आगे? वर्ड लगाओगे? पक्का? क्यों लगाएंगे? प्लूरल है, दे वर
गोइंग को छेड़ना नहीं एज इट इज, गोइंग टू बी का टू कट डाउन द फॉरेस्ट फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. अभी जो रूल पड़ा अपन ने इन्फिनेटिव वाला, उसी के हिसाब से कन्वर्ट किया है, बस दिमाग उल्टा चलाया, पैसिव की जगह एक्टिव चलाया. आया समझ में ये वाला सेंटेंस? नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर शॉट डेड. पहले इसको भी मान लो बाय हंटर, कुछ हिम भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाय हंटर मान लिया अपन ने, बुक में भी यही मान रखा है पीछे, ठीक है. अब ये इसमें जो कंफ्यूजन है वो ये है कि टेंस क्या है, ईटिंग वर्ड आ रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर पूरा वर्ड है ना बेटा, यही आपका सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा. ये पूरा कैसे, ये टाइगर की विशेषताएं बता रखे, ये वर्ब नहीं है. टाइगर जो कि मैन ईटिंग था, आदमियों को ही खाता था, फिरोशियस खूंखार था, तो खूंखार आदमियों को खाने वाला टाइगर, सो दिस इज एन एडजेक्टिव हेयर, ये एडजेक्टिव है मैन ईटिंग, ठीक. और शॉर्ट आ गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज के साथ, पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करें, डिड के साथ कर दे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस था. वेयर, फिर वेयर के बाद क्या लगाएंगे, डिड. इंटरोगेटिव का रिवाइज किया नहीं है, चुप बैठे हैं वही बच्चे, चुप बैठे हैं जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया है, और करने वाले दो ही हैं यहाँ पे. वेयर डिड हंटर सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद में शूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीछे शूट डाउन दे रखा है, शूट डेड ही होगा, चेंज नहीं कर सकते. वेयर डिड हंटर शूट डाउन द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर, वही है लॉजिक, बस अपने को वर्ब आइडेंटिफाई करने में दिक्कत थी बस, राइट. सो दिस वॉज द सेंटेंस, दिस वॉज द पर्टिकुलर डाउट दैट यू शुड हैव गॉट. अब बचे हुए जो सेंटेंसेज है उनमें डाउट नहीं होने चाहिए, राइट. अगर होंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. तो एक्टिव पैसिव का बेसिक कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी. अगर आज प्रैक्टिस करके आते तो सब लोग पूरी क्लास में एक साथ बोलते, राइट. लेकिन नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आइडिया ही नहीं है, हो क्या रहा है, बुक खोल के देखी भी नहीं, पीछे के सेंटेंसेस देखे भी नहीं, ईमानदारी से नहीं देखे ना, नहीं देखे ना, नहीं देखे तो वो नहीं होंगे. और ये वाला, कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उसमें एक बच्चे ने तो कहा कि उसका पेपर छूट गया, चार नंबर का रिज्यूम, पांच रिज्यूम जो आया था चार नंबर या पांच नंबर का, वो उसका छूट गया, राइट. मैंने उसे बोला कि ये तो बहुत इजी पेपर था, इसमें तो छूटने का स्कोप ही नहीं था, तुमने क्लास में प्रैक्टिस नहीं करी. तो उसने ये रीजन दिया मुझे कि मैम लॉ में कोई फर्स्ट क्वेश्चन में उसको अकेले 45 मिनट्स लग गए थे, राइट. तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो गया और इसकी वजह से उसका पेपर छूटा उस इवेंचुअली. तो एक तो मैनेजमेंट टाइम का आपको शुरू से रखना है. दूसरे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोला कि मैम ग्रामर ने मेरी हेल्प करी, शी इज टारगेटिंग 90+ मार्क्स इन लॉ एंड रिपोर्टिंग, राइट. देखो कितने आते. सो उसका ये कहना था कि मैम ग्रामर 6-7 नंबर की आई थी, एक एक लाइन लिखनी थी, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जल्दी हो गया पेपर, टाइम की भी दिक्कत नहीं लगी, प्लस मैं लॉ को भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके आई हूँ, लॉ में केस लॉ एग्जाम्पल सब लिख के आई हूँ, तो लॉ को टाइम ज्यादा दिया और रिपोर्टिंग में ग्रामर करने की वजह से वो पेपर मेरा जल्दी हो गया, तो छूटा कुछ नहीं, प्लस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी मैं सब लिख के आई हूँ, राइट. तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने सब प्रैक्टिस करा बट आप ग्रामर पे कॉम्प्रोमाइज करके गए, तो एक तो इसमें कोई आधा नंबर तो मिलेगा नहीं, या तो पूरे कटेंगे या पूरा मिलेगा, राइट. प्लस इसमें आपको लिखना भी कम है, तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. तो ये प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर चॉइस, राइट. तो डू दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, वरना एक छोटी सी गलती के भी इसमें जीरो हो जाएंगे आपके, राइट. अब नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट बच रहा है वो बच रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. आ जाओ बुक खोलो, बुक से ही करेंगे क्योंकि अब टेंस के रूल्स तो क्लियर हैं आप लोगों को. पेज नंबर 2.26. नेट नहीं चला क्या अभी भी? तो आर्टिकल का क्या कर रहे हो फिर? तो यूथ व्यूथ तो कर ही सकते हो, दो चार दिन और नहीं चला पता चला कोर्स ही खत्म हो गया अपना.
कहां से करोगे फिर आर्टिकल, राइट? वो वाले पॉइंट्स तो इकट्ठे करो, कम से कम यूथ वाला जो लिखवाया था, ग्लोबल वार्मिंग लिखवाया था, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे खुद कर सकते हो, राइट? तो जो खुद कर सकते हो उस पे पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश करो। ऑल दो आर्टिकल को लास्ट तक खींच लेंगे अपन, लास्ट तक रख लेंगे, और चीजें पहले पढ़ लेंगे, लेकिन कोर्स अब फटाफट ही कंप्लीट हो जाएगा एकदम से, और फिर पता चला नेट और 4 दिन नहीं चला, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। आज चल जाएगा? कब से चलेगा बेटा? 5:30 से चल जाएगा? आ गया नोटिफिकेशन? मंडे से चलेगा? इस वजह से बाधा थी, बंद कर दिया पूरा? कल तो संडे है, वैसे भी कुछ भी बंद हो। साढ़े पांच बजे आज का या मंडे का? आज का मेरे तो चल रहा है नेट, मेरे को दिक्कत नहीं, आपको आर्टिकल बनाना है तो मेरे तो यहाँ भी चल रहा है, मेरे तो घर पे भी चल रहा है, तो मेरे को काम नहीं करना, काम आपको करना है, ठीक? तो घर पे वाईफाई किसी के तो होगा, किस किस के ब्रॉडबैंड है? होगा तो बताएंगे नहीं हम, तो जिनके ब्रॉडबैंड है वो तो काम कर सकते हैं, वो लोग अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं, आर्टिकल निकाल के उनको भेज सकते हैं, पढ़ वो लेंगे, पॉइंट्स वो बना लेंगे। तो उस केस में घर से डाउनलोड करके ला सकते थे, ब्लूटूथ से दे सकते थे, ब्लूटूथ से ले लो, मोबाइल से मोबाइल की फोटो खींच लो, खूब ऑप्शन है बेटा, चाहे तो। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो सभी कर सकते हैं, जब ऑनलाइन चल गया नेट। चेक कर लेते हैं यार, नहीं चला? चलो सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आ जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पेज नंबर 2.26। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जब अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही आएंगे, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आएंगे, सबसे पहले तो ये समझ लो, राइट? ये मॉक टेस्ट में तो देते हैं, मॉक टेस्ट आरटीपी में तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी देते हैं और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी देते हैं, बट एग्जाम में नहीं आते, राइट? तो नहीं आएंगे, आ भी जाते हैं तो रूल तो वो सेम ही है, दिमाग ही उल्टा करना है, बाकी 99.999% नहीं आएगा। अब इसमें अपन सबसे पहला रूल जो पढ़ रहे हैं, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 2.26, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट वर्ड्स आर चेंज इन टू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो ये बेसिकली इस लाइन को अंडरलाइन करो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब पास्ट टेंस में है ना, तो रूल्स रूल्स विल बी एज फॉलोज, जैसे रूल्स दे रखे वैसे रूल्स हो जाएंगे, नीचे जो रूल्स दे रखे। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाली या अंदर वाली? रिपोर्टिंग वर्ब होती है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली, राइट? सो यहां देखिए, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी शी सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? सेड, राइट? इसमें क्या होगी? आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, सेड, टोल्ड, सेड, एक्सप्लेन्ड, राइट? रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आई? तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में, तो अपन अंदर का टेंस चेंज करेंगे इन रूल्स के हिसाब से, और अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब अपन अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये याद रहेगा। तो सबसे पहले तो बाहर वाली वर्ब देखना कि उसके वो पास्ट में है तो टेंस चेंज
होगा, और अगर पास्ट में नहीं है तो टेंस, पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, पास्ट में नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। अब टेंस चेंज होगा कैसे इसको समझो। आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। रूल्स गिवन है एक्टिव वॉइस के, आपके जो लिखवाए थे वही रूल्स चलेंगे, राइट। तो सिंपल, ये तो बहुत इजी रूल्स हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी है, याद हो गए होंगे। सिंपल पास्ट का ध्यान रखेंगे, सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। फिर पास्ट परफेक्ट का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, पास्ट परफेक्ट को कुछ नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, ठीक। देन मूविंग अहेड टू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिवाइज कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाएगा? सिंपल सिंपल पास्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। और नेक्स्ट रूल जो है वो है आपका विल का वुड, शैल का शुड, राइट। ये आपका फ्यूचर टेंस का रूल है। अब इसके अलावा इसके चार पांच रूल्स और बचे, विच वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होगी, राइट। सो ग्रामर की एक कॉन्सेप्ट खत्म होगा, फिर एक आध दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो डाउट पूछेंगे, उसके साथ साथ अपन वोकैबुलरी और पैसेज को चला लेंगे, राइट। ओके, सो कोई डाउट है किसी को?